तो ये छपरी लौंडे देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो उसके थ्रू आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सी रोड है। फिर कमेंट में आके बताओ कि कौन सी रोड है। तो गाइज आज मैं बाइक को ज़्यादा लीन नहीं करूँगा क्योंकि यह कल मैंने यूट्यूब पे एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें बंदा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रो राइडर था, उसके बावजूद भी वो जो कर्व होता है उस पर उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। वो तो अच्छा रहता है, उसके पास पूरे सेफ्टी गियर्स वगैरह रहते हैं इसलिए उसको ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आती है। तो भाई लोगों पास मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को भी कि आप कितने भी ज़्यादा प्रो राइडर क्यों ना हो पर अगर आपकी किस्मत ख़राब हो ना फिर आपको कोई नहीं बचा सकता भाई। तो अभी मैं आपको वो छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद आप गेस कर सकते हो कि कितना खतरनाक सीन था ये। तो दोस्तों आपने ये क्लिप देखी होगी, मतलब जो रोड है उसका सरफेस बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा है नहीं कि वहाँ पे रेत वगैरह घिरी हो, मतलब ये है कि बंदे ने जो बाइक है वो ज़्यादा लिटा दी जिस कारण कि जो टायर और उस रोड है उसके बीच फ्रिक्शन कम लगा और वो गिर गया। तो यार बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा आपको भी कि आप भी ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा फ्लो में कभी भी हाइपर राइडिंग मत करना किसी को देख के भी। तो यार बस लास्ट में यही बोलूँगा, राइड सेफ।